नमस्कार दर्शकों, मैं निषाद लांजेवार आकाश न्यूज में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। नाना पटोले ने कहा, लोकतंत्र की हत्या करने वाला मोदी विचार मनुवादी विचार को खत्म करने का बड़ा मौका। महाराष्ट्र की जनता फुले शाहू अंबेडकर की विचारधारा को मानने वाली है। लोकतंत्र की हत्या करने वाला मोदी विचार मनुवादी विचार को खत्म करने का एक बड़ा मौका विधानसभा चुनाव के माध्यम से महाराष्ट्र की जनता को मिला है। नाना पटोले ने महाराष्ट्र में कांग्रेस राष्ट्रवादी कांग्रेस आघाड़ी की सरकार जरूर आएगी ये विश्वास भी दिलाया। कांग्रेस राष्ट्रवादी कांग्रेस आघाड़ी के उम्मीदवार लोक नेता नाना पटोले ने अपने साकोली विधानसभा क्षेत्र में प्रचार करते समय उन्हें प्रचंड प्रतिसाद मिलते हुए दिखाई दे रहा है। आइए देखते आकाश न्यूज की खास खबर। काफी जनता के बीच में रहते हैं और जनता एक ही नाम विदर्भ में है कांग्रेस में। नाना जी, ऐसा क्या खूबी है जो जनता आपका काम देखता है विदर्भ में या आपके प्यार को देखता है? काम और प्यार, ये दोनों चीजें इंसानियत में बहुत बड़ी महत्वपूर्ण रखती है। लोकतंत्र में लोक प्रतिनिधि, वो सांसद हो या विधायक हो या मंत्री हो, ये जनता का नौकर होता है। लेकिन जो लोग सांसद और विधायक बने और मंत्री बने, कुछ लोग ऐसे रहे कि वो अपने खुद को मालिक समझे, खुद को राजा समझे, और उनमें और मेरा फर्क लोगों को समझ में आ गया। लोग चाहते कि हमारा दुख दर्द में अगर कोई आ सकता है तो नाना पटोले ही आ सकता है, और इसलिए बच्चे के जैसे, भाई के जैसे प्यार करने वाले लोग आपको हमारे पूरे विधानसभा में, पूरे गोंदिया भंडारा जिला में मुझे आपको मिलेंगे। और जो प्यार उन लोगों ने मुझे दिया और दे रहे, मैं उनके प्यार को, उनकी जो मेरे बारे में जो विश्वास है उसको पूरा करने का उनको मैंने वचन भी दे चुका हूँ। और ये चुनाव महाराष्ट्र के लिए सबसे बड़ा चुनाव है जिसे लोकतंत्र की हत्या करने वाले मोदी विचार मनुवादी विचार को खत्म करने का एक बड़ा मौका हमारे महाराष्ट्र की जनता को मिला है। और हमारा महाराष्ट्र वैसे भी बाबा साहब अम्बेडकर, फुले, शाहू, ये विचार को मानने वाला है, और ऐसे विचार के महाराष्ट्र में अगर मनुवादी विचारधारणी को अगर स्थान मिलता है तो यह हमारे महाराष्ट्र की विचारधारा को एक बड़ी बड़ा नुकसानदायक होता है, और जिसका परिणाम 5 साल फडणवीस सरकार में जनता ने देखा, किसानों ने देखा, बेरोजगारों ने देखा, सभी जाति धर्मों के लोगों ने देखा। और इसलिए आज मैं आपको बताता हूँ कि जो जात के ब्राह्मण भी हो वो आज कांग्रेस के साथ आके खड़े हुए, अदर समाज के लोग तो साथ में हैं, लेकिन जात के ब्राह्मण भी अगर कांग्रेस के साथ आके खड़े होते तो इसका एक बड़ा अचीवमेंट जो है वो कांग्रेस राष्ट्रवादी आघाड़ी की जो सरकार को मिलने वाला है, और महाराष्ट्र में कांग्रेस राष्ट्रवादी की सरकार है। देखो, हम जनता जनार्दन के ऊपर विश्वास करते हैं। आपको याद होगा कि केंद्र में अभी मोदी की दोबारा सरकार जब आई तो मोदी ने सेंट्रल हॉल में अपने सांसदों को कहा पार्लियामेंट में कि आप सब लोग मेरे वजह से चुन के आए, वो लोग लोकतंत्र को मानने वाले लोग नहीं, हम कांग्रेस, हम बाबा साहब अम्बेडकर के विचार को मानने वाले हैं, हम महात्मा ज्योतिबा फुले के विचार को मानने वाले हैं, हम शाहू विचार को मानने वाले हैं, हम ये सब विचारों को, क्योंकि ये सब संविधानिक व्यवस्था को मानने वाले लोग हैं और वही कांग्रेस संविधान व्यवस्था को मानने वाले हैं। अगर जनता जनार्दन ने बहुमत हमको दिया, हाईकमांड ने डिसीजन दिया, तो निश्चित रूप से हम उसमें बने। हमारे आकाश न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। धन्यवाद।